अब हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ये देख लें, जग्गू हेड, बेहतरीन और क्या नज़ारा है यहाँ का। ये जग्गू हेड कदीम ज़माने की ये तमीर है और इंसानी हाथों से बना हुआ। ये जग्गू हेड 1911 में इसकी तमीर हुई है, वहाँ पर इसकी तहरीर लिखी हुई है। और इसके ये जो ताक हैं, जो पानी वाले, जो 16 हैं, 4 हैं और एक में 4 होते हैं, ये 16 बने हुए हैं। और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी हम इसका नीचे से जाके व्यू लेते हैं, फिर ऊपर से आपको इसकी तफसील बताएंगे। गर्मियों में यहाँ से इसका जो व्यू है वो बहुत प्यारा आता है। मेरा इत्तेफाक हुआ, पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। गर्मियों में ये पार्किंग का हिस्सा है और यहाँ पर इतना रश होता है, यहाँ पर मोटरसाइकिलों के अलावा बड़ी गाड़ियाँ भी बहुत मौजूद होती हैं। और इस जगह पर कभी इंशाल्लाह फिर दोबारा आप यहाँ पर आए गर्मियों में तो हम दिखाएँगे जी। वो जो सेंटर में आपको वाइड वाइड नज़र आ रहा है, वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा, चूँकि अब मौसम इतना गर्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पर आवाम नहीं आती, अभी तो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं। तो जब गर्मियों में यहाँ पर ये वाले ताक खोलते हैं तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फिर आवाम यहाँ पर इतना रश होता है, फैमिलीज भी आती हैं और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ ये इसकी गहराई जो है 55 से 60-70 फीट जो है वो नीचे है। तो अभी ये यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देखें कदीम ज़माने की तमीर, इंसानी हाथों से बनी हुई ये सीढ़ियाँ, कितनी तज़ीनो आराइश यहाँ पर हुई है, कितनी महारत के साथ इसको कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं आहिस्ता तक नीचे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई है, अभी मुझे डर भी लगने लग गया, मुझे वो हाइट से वैसे भी डर लगता। तो अब नीचे जा के इसका व्यू लेते हैं। ये देखें ये स्लोप कितना प्यारा बना हुआ है, वहाँ से थोड़ा स्लो पानी नीचे आ रहा है। आगे हम जाते हैं तो जाकर आगे का जो व्यू है वो देखते हैं। अभी ये देखें डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी हुई है, कदीम ज़माने की डिज़ाइनिंग है, ये देख ले। अब इस रोड पर मीरपुर तक जग्गू हेड्स में 3 और हेड आते हैं, एक हेड अली बेग और एक चातला हेड, ये 2 हेड रास्ते में और आते हैं। तो वो अब हम उस तरफ तो हमने जाना नहीं है, तो इसलिए हम जग्गू हेड की कवरेज कर रहे हैं। ये देखिए जी कितना प्यारा मंजर है, यहाँ पर ये बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे। मौसम तो थोड़ा ठंडा है, इसके बावजूद ये बच्चे यहाँ पर ये नहा रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा मंजर है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है और इसके आगे ये देखें कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ पर मज़ा आ रहा है। मैं तो काफ़ी अर्से बाद यहाँ पर आया हूँ, तो इस कवरेज फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, तो आगे भी हम चलते हैं। ये बड़ा मुश्किल है यहाँ से क्रॉस करना इसको। जी बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का जग्गू हेड का। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है पर बादल भी बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आज जो है वो आवाम इतनी आई नहीं। जून के महीने में फुल गर्मी में यहाँ पर यकीन करें इतना रश होता है, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये फुल होते हैं और यहाँ पर आवाम का इतना रश होता है। और इसके ऊपर जो पार्किंग का जो सिस्टम बना हुआ है ये भी फुल होता है, और सिक्योरिटी के लिए इसके साथ ही जो है वो पंजाब पुलिस, दूसरी सॉरी मोटर पुलिस का जो है वो ऑफिस भी बना हुआ है यहाँ पर। तो ये अभी कोशिश करेंगे हम वहाँ पर जाकर जो जग्गू हेड की इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ पर लोग हैं इनके, उनसे हम कोई बात करें। कल की तरह आज फिर हम वापस जा रहे हैं, सांस चढ़ जाती है भाई, इतनी हाइट है ये आम सीढ़ियों से, ये इनकी 3 से 4 इंच ये हाइट ज़्यादा ही है। ये बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पर ऊपर आए हैं। अरे ये देखें कितना ये नीचे है गहराई, और ऊपर अभी हम चलेंगे पुल के ऊपर से आगे की तरफ और दूसरी तरफ से चल के इसका व्यू देखते हैं। कदीम ज़माने से बना हुआ ये जग्गू हेड, ये इसकी सीढ़ियाँ मुझे बड़ी पसंद आई हैं, ये बड़ी बेहतरीन बनी हुई हैं इंसानी हाथों से। ये 1911 की ये तमीर, आज 112 से 113 साल इनको हो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है, कहीं से भी ये टूट फूट का शिकार नहीं हुई। और ये जो इसकी ये दीवार है ये देख कर ऐसे लगता है जैसे ये भी 1 या 2 साल पुरानी है, कहीं से भी ये नहीं लगता, टोटल ये पत्थर की बनी हुई है। और ये पत्थर इनकी कटाई भी जो है ये ऐसे नज़र आती है जैसे ये किसी मशीनरी के साथ ये इनकी कटाई हुई है, लेकिन ये सारी इंसानी हाथों से ये मैनुअल कटिंग है, यहाँ पर कोई भी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई। और ये कितनी मेहनत के साथ ये
36 जो है सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और इसकी जो हाइट है ये आम घरेलू सीढ़ियों से भी थोड़ी ज़्यादा है। 36 के हिसाब से इसकी टोटल जो यहाँ से वहाँ तक की हाइट है वो 60 फीट बनती है। ये जी इसका मेन पुल है, ये बहुत पुराना पुल है, और यहाँ पर ये कभी किसी वक्त पे ये मेन रोड हुआ करता था। यहाँ पर मीरपुर जाने वाली गाड़ियाँ इसी पुल के ऊपर से गुजर के जाया करती थी। चूँकि अब इसकी म्याद जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इस पुल की म्याद ख़त्म हो जाती है। इससे पहले ये सड़क से पहले इसी पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरा करती थी, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो खैर मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये भी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, इसकी तहरीर लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है ISWICH, आगे इंग्लैंड लिखा हुआ है। जारी बात है ये अंग्रेज़ों ने बनवाया होगा किसी ज़माने, और 1911 की इसकी तमीर लिखी हुई है। और ये इसकी लंबाई देखें कितनी है, चौड़ाई सी बहुत कम है। तो मेरा इतफाक़ हुआ इससे काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर मैंने सफ़र किया जब ये पुल बिल्कुल ठीक ठाक था। अब इसको बंद कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके रिप्लेस में हुआ, मेरे पीछे अगर देख लें दूसरी तरफ तो वो एक पुल नज़र आ रहा है, ये नया पुल तमीर किया है, और अब वहाँ से मीरपुर वाली जो गाड़ियाँ वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती हैं, वो नया पुल बना है, उसका भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। ये वो जगह जी सेंटर, ये इस हेड का बिल्कुल सेंटर, यहाँ से अब पानी नीचे से आ रहा है, इसको थोड़ा सा उन्होंने ताक खोला हुआ है और पानी बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ से नीचे जाने के लिए जगह तो है, लेकिन जो कि मैंने अब नीचे नहीं जाना क्योंकि मैंने आगे भी जाना है। तो वहाँ का विज़िट मैं फिर अगली वीडियो में बताऊँगा कि जहाँ पर पानी आ रहा है वहाँ पर कैसा बेहतरीन व्यू है। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से पानी बहुत स्पीड के साथ, या शायद देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा रफ्तार है, और यकीन करें यहाँ पर खड़े होकर मुझे बहुत डर लग रहा है, रफ्तार देख कर चक्कर आ जाते हैं। तो खैर मजबूरी है, यहाँ पर वीडियो भी शूट करनी है। ये देखें ये सरकार है, अब वो नीचे लोग आ चुके हैं नहाने के लिए, अब छुट्टी का दिन भी है तो वहाँ से भी लोग आ जाते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो अब वो नहाने के लिए वो काफ़ी दूर हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनके पास भी जाऊँ, उनसे बातचीत करूँ। अपनी हाथों से बनने वाले इस जग्गू हेड की तज़ीनो आराइश बताती है कि इस ये कितनी मेहनत और लगन से इसका काम हुआ होगा। आज भी इसकी जो मियाद है, इसकी जो बुनियादें हैं वो आज भी वैसी की वैसी ही मौजूद हैं। यहाँ से इसकी कहीं से भी ये टूट फूट का शिकार नहीं हुआ, और यही इसकी खूबसूरती है इस इलाके की। इस ज़माने में ये मेन रोड था जो मीरपुर रोड वाला, यहाँ से आकर गाड़ियाँ यहाँ से टर्न लेके इस पुल से दूसरी तरफ, वो मीरपुर रोड है, वहाँ का भी विज़िट करते हैं।